झुंझुनू में मानसून की पहली बरसात ही कई लोगों के लिए आफत बनकर के बरसी। झुंझुनू में मानसून की पहली तेज बारिश ही जानलेवा साबित हो गई। शुक्रवार दोपहर कोतवाली थाना इलाके के पंचदेव मंदिर के पास एक जूस के केबिन में करंट दौड़ गया। करंट की चपेट में 5 लोग आ गए, इनमें से 4 पानी के बहाव में बह गए। पानी में 1500 मीटर तक बहे युवक की मौत हो गई, 2 लोगों को बचा लिया गया जबकि तीसरा खुद पानी से बाहर निकलकर के हॉस्पिटल पहुंच गया। कोतवाली थाना इंचार्ज पवन चौबे के मुताबिक 3 घायल बीडीके हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती हुए हैं। इसमें जगदीश प्रसाद निवासी देसु सर, मनीष निवासी बसंत विहार झुंझुनू और इस्लामपुर निवासी साजिद का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक इस्लामपुर निवासी युवक जहांगीर और साजिद पानी में काफी दूर तक बह गए थे। जहांगीर खेमी शक्ति मंदिर की ओर से पानी में करीब 1-1.5 किलोमीटर तक बहता रहा। इसके बाद उसे लोगों ने खेमी शक्ति मंदिर के पास पानी से बाहर निकाल लिया। लोग बीडीके अस्पताल लेकर के पहुंचे जहां डॉक्टर ने जहांगीर को मृत घोषित कर दिया, जबकि करीब 1 घंटे बाद पानी में लापता हुआ साजिद खुद बाहर निकल कर के हॉस्पिटल पहुंच गया। घटना स्थल पर मौजूद एक ग्रामीण ने बताया कि पंचदेव मंदिर के पास रोड पर अन्नू जूस सेंटर नाम के एक लोहे का केबिन है। दोपहर में मूसलाधार बारिश हो रही थी। 5 लोग जिसमें जगदीश, मनीष, जहांगीर, साजिद और एक अन्य केबिन में थे। केबिन के पास ही बिजली का एक खंभा है। इस विद्युत पोल से केबिन में करंट दौड़ गया और 5ों करंट की चपेट में आ गए। इस दौरान सड़क पर घुटनों तक पानी बह रहा था, बहाव तेज था। करंट की चपेट में आने के बाद एक ने दौड़कर जान बचाई जबकि 4 लोग पानी में गिर पड़े और बहने लगे। जगदीश को 100 मीटर दूर तक बहने के बाद लोगों ने बाहर निकाल लिया और हॉस्पिटल पहुंचाया। वहीं दूसरे युवक मनीष को 500 मीटर बहने के बाद पानी से बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया। साजिद की तलाश में पुलिस और एसटीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया था, लेकिन वह खुद पानी से निकल कर के बाहर आ गया और साजिद के पैर में चोट लगी है। हादसे के बाद पूर्व विधायक राजेंद्र गुढ़ा के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। काफी संख्या में लोग जुटे और नारेबाजी करने लगे। गुढ़ा ने शहर के ड्रेनेज और बिजली व्यवस्था पर सवाल उठाए। आज बरसात के बाद में कुछ लोगों के बहने की खबर थी, फिर पता लगे कि करंट से जख्मी हुए हैं। फिर हमने रिकवर करके और हॉस्पिटल पहुंचाया तो एक बंदे की डेथ हुई है और एक को प्राइमरी इलाज करके फ्री कर दिया था। दो बंदे अभी यहाँ पे आईसीयू में भर्ती है। अब करंट का जो है वो कई चीजें हैं, अभी हम इसको दिखा रहे हैं क्या वास्तविक स्थिति क्या थी। जो भी स्थिति होगी हम कार्रवाई करेंगे। जो मृतक है उसकी जानकारी मिली है वो इस्लामपुर का है और एक है जगदीश जो घायल है वो टीचर है और एक मनीष है, एक साजिद है। तो इस प्रकार से 4 लोग हैं। इकट्ठा करके अंदर रख रहे थे, सामान को इकट्ठा करके रखा ना, जैसे रखते ही हम पानी बांध के खड़े होते हैं। अचानक से वहाँ पर करंट का धक्का लगा। हम वहाँ पर 4 लोग बैठे थे, 4 लोग थे, 4 में से 2-3 तो सीरियस पूरे। बाकी प्रशासन की लापरवाही है, नगर परिषद की लापरवाही है और बिजली विभाग की भी लापरवाही है। काफी दिनों से वहाँ पानी भर रहा था, झुंझुनू में बहुत ज्यादा बारिश थी। इस वजह से एक कैजुअलिटी जो हुई है वो जहांगीर खान नाम के व्यक्ति की हुई है। 3 लोगों को इन्होंने आईसीयू में एडमिट कर रखा है, जिसको एक प्राथमिक उपचार के बाद में छुट्टी दी। 2 लोगों की कंडीशन भी अच्छी नहीं बता रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, प्रशासन से भी बात करेंगे और जो मृतक के परिजन भी आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे और प्रशासन से बात करके इस बात का खुलासा करेंगे, मुआवजे की मांग भी करेंगे, जो दोषी उनको सजा दी जाए। क्योंकि प्रशासन की नेग्लिजेंसी की वजह से झुंझुनू जैसे शहर के अंदर इस तरह का हादसा होना ये अच्छा संकेत नहीं है। ये तो पहली बार ही सर, सभी को मालूम था कि पिछले 10-12 दिन से मौसम जो वो खराब हो रहा है, तो प्रशासन इस स्तर पर क्या कार्रवाई की और यहाँ की क्या व्यवस्थाएं बनाई उस बात के बारे में जानकारी लेंगे।